शिक्षण संस्था सौंदर्य चे संस्थापक जगदीश लोहिया यांच्या 66व्या वाढदिवस सौंदर्य येथील विद्यालयात साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी प्रभुदास लोहिया, माजी अध्यक्ष सुभाषचंद्र अग्रवाल, प्रेमलता लोहिया, सचिन लोहिया, पंकज लोहिया, आशु सिंघानिया, अनिल मेश्राम, स्नेहा लोहिया, साक्षी लोहिया, सपनेश लोहिया, कनव लोहिया, विधि लोहिया, प्राचार्य मधुसूदन अग्रवाल व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम संपन्न झाला. त्यांचे वाढदिवसानिमित्त पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले व मान्यवरांचे भाषण झाले व जगदीश लोहिया यांनी शिक्षण संस्था कशी वाढविली व प्रगती केली याविषयी मान्यवरांनी भाषणातून उल्लेख केले. या प्रसंगी संगीतमय वातावरणात कार्यक्रम संपन्न करण्यात आला. मेरे छोटे भाई जगदीश जी लोहिया, इनके आज जन्म दिवस के कार्यक्रम उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ. और सिर्फ शुभकामनाएं ही नहीं तो दीर्घायुषी जीवन, और सिर्फ दीर्घायुषी जीवन ही नहीं तो मंगलमय दीर्घायुषी जीवन जो निरोग रहे. अगर कोई आदमी को 100 साल का अगर जीवन मिला और 10 वर्ष अगर उसने खटिया के ऊपर गुजार दिए तो उसे दीर्घायुषी नहीं कहा जाना चाहिए. मैं कहूँगा कि भगवान ने जितनी भी उम्र दी है उतनी उम्र वो निरोगी काया और स्वस्थ जीवन जी. जगदीश बाबू का जीवन संघर्षमय रहा है. हम जिस स्कूल में यहाँ पर अभी उपस्थित होकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो इतने आसानी से नहीं, इनको कितना संघर्ष करना पड़ा ये मैं जानता हूँ. शुरू से स्कूल की संस्थापना के समय से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और मुझे यह मालूम है कि बीच में जो कुछ कठिन समय आया था वो जगदीश जी ने किस प्रकार से सहन किए. दिन रात सुबह शाम धूप बारिश ठंड इसकी परवाह ना करते रात भी मधु बाबू जोड़े के साथ में और पंडाला आते आते रहते थे. समय पर खाना नहीं पीना नहीं, लेकिन उन्होंने जो इतना जो कठिन परिश्रम किया उसकी जो फिर फलश्रुति हुई और उसमें अपने स्कूल बहुत अच्छे से हुई. आज इस स्कूल को बहुत अच्छा शिक्षक वर्ग मिला हुआ है, विद्यार्थी भी डिसिप्लिन में है और सभी बातें अच्छी हैं. मैं ये चाहूँगा ये स्कूल निरंतर प्रगति करे और जगदीश बाबू और उनके पूरे परिवार को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए अपना दो शब्द पूरे. आमचे प्रिय मित्र, आमचे वडील बंधू, आमचे स्नेही जगदीश जी लोहिया, मी इथं 26 नोव्हेंबर 1985 आज बरोबर 36 वर्ष झाले आणि छत्तीस वर्ष झाले त्यांचा आणि माझा जो संबंध तयार झाला तेव्हापासून तर आज तागापर्यंत आमचे अगदी विश्वासाचे प्रेमाचे आणि सुखदुःखाचे मित्र नावाची एक जे संकल्पना असते की ज्या मित्राच्या संकल्पनेमध्ये आम्ही एकामेकाशी जे काम केलं त्यांनी माझ्यावर टाकलेला विश्वास, मी त्यांच्यावर टाकलेला विश्वास आणि त्या विश्वासाला कधी आजपर्यंत तडा गेला नाही. आणि असे माझे परममित्र ज्यांचा आज वाढदिवस. या शाळेमध्ये अनेकदा अनेक कार्यक्रम झाले परंतु आमच्या प्रिय बंधूंचा वाढदिवस कधी साजरा केला गेला नाही. यावर्षी सगळ्या शिक्षक वर्गाने कर्मचाऱ्यांनी इथं त्यांच्या वाढदिवसाचं आयोजन केलं आहे आणि त्यानिमित्तानं कुणी का असेना आम्ही एक घरी छोटासा वाढदिवस करतो आणि त्यामधून आम्हाला एक स्फूर्ती मिळते की बा पुढे की आपल्याला जगायचं आहे, पुढे काहीतरी करायचं आहे. कारण त्यांच्या जीवनामध्ये अनेकदा अनेक संघर्ष आले, ते संघर्षाने खचले होते, त्यांना मी अनेकदा हिंमत दिली, आजही देत राहतो. आणि म्हणून या निमित्त आजचा वाढदिवस म्हणजे त्यांना पुढे काहीतरी करण्याची एक संधी आहे किंवा एक त्यांना पुढे काय करण्याची या आमच्या शिक्षक बांधवांनी त्यांना एक हिंमत दिलेली आहे. आणि म्हणून आजच्या या त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्त
मी एवं संगू इच्छितो कि भैयाजी अपन हाँ शाचे हा कुटुंबा एक प्रमुख आहत, एक वडील म्हणून आहत आणि वडील या नात्याने आणि हे सगळे कर्मचारी एक तुमचे मूल आहेत आणि या मुलांचं आणि तुमचा एक संबंध आहे, हा संबंध तुम्ही अविरतपणे चालवा आणि त्यांच्याही मनामध्ये आणि शिक्षकांनी सुद्धा आपल्या भयतीबद्दल एक आदरयुक्त प्रेम ठेवून त्यांनी काम करावं आणि अशा प्रकारे हाच वाढदिवस दरवर्षी मोठा होत असेल तर छोटा करावा, परंतु असा जर वाढदिवस छोटासा होत असेल तर त्यांना सुद्धा स्फूर्ती मिळेल आणि पुढे सुद्धा तुम्हाला तुमच्याबद्दल काय करण्याचा एक हिंमत किंवा एक त्यांच्या मनामध्ये एक चांगलं प्रेम निर्माण होईल आणि ते काहीतरी करू शकतील आणि हे जे विद्यालय आपलं उभं झालेलं आहे यामध्ये सुद्धा भर पडेल आणि त्यांनी केलेल्या कार्याला एक थोडंसं चांगलं नाव लागतील एवढं बोलून मी आज त्यांच्या म्हणजे वाढदिवसाच्या निमित्त एक त्यांना भविष्याची त्यांच्या आरोग्याची शुभकामना देऊन मी आपले दोन शब्द संपवतो। मी आपला आभार मानतो। जीवेत शरदशतम अशी प्रभूचरणी मंगलकामना करतो आणि आपलं संपूर्ण आयुष्य आरोग्यदायी सुखाचं प्रेमाचं जावं अशी प्रभूचरणी प्रार्थना करतो आणि आपला सदैव शुभाशिष आमच्यावर राहो अशी पुन्हा एकदा प्रभूचरणी प्रार्थना करून पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो। फिरसे मैं यहाँ भैया जी का जन्मदिन, मैं हर दिन भैया जी के सानिध्य में 2 से 3-4 घंटा रहता हूँ और जो मैं भैया जी का एक संघर्षमय जीवन और इसमें इस स्तंभ को जो भैया जी ने मजबूत किया है, एक वैसा व्यक्ति मतलब को मैं फिर से मेरे तरफ से इस संस्था द्वारा संचालित सभी यूनिट की तरफ से ढेर सारी मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। आए हुए समस्त हमारे अतिथियों की तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूँ और भैया जी के लिए मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भैया जी आप चिंता मत करो, आपका आज तक का कायाकल्प का आपने परिणति आज का परिणाम देख लिए, आप स्वस्थ रहो, मंगलमय रहो, सुदृढ़ रहो, आपका जीवन आरोग्यमय रहो, ऐसी मैं सभी के तरफ से भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे शब्द को मान देते हुए समस्त आए हुए हमारे अतिथिगण, दीदी भाभी जी सभी अतिथिगण, मैं सभी की तरफ से स्वागत करता हूँ, लास्ट में सबका आभार व्यक्त करता हूँ। भैया जी को फिर से मैं ढेर सारी सभी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और आज का ये कार्यक्रम नीचे में सभी के लिए एक छोटा सा जीवन का खाने का कार्यक्रम है, तो कृपया सभी नीचे में खाने का कार्यक्रम का आस्वाद लें और फिर से मैं सभी की तरफ से शुभकामना देते हुए जन्मदिन का कार्यक्रम यहाँ पर एक अल्प समय विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्यारे दोस्त और लोहिया शिक्षण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय भैया जी यानी जगदीश जमुना देवी रामेश्वर दास लोहिया, इनका हम सबको यह धर्म में मना है। 37 ईयर्स आफ्टर 37 वर्षानंतर पहिल्यांदाच या संस्थेमध्ये या विद्यालयात हा जन्मदिवस होतो यासारखी आनंदाची गोष्ट कोणतीच नाही। या गोष्टीला भैयाजींचा विरोध होता, कधी स्वीकारत नव्हतं, पण या संस्थेची जे माणसं विद्यालयाची जे माणसं जोडलेली आहेत त्या सगळ्यांसाठी आमच्या आयुष्यातील हा सगळ्यात मोठा दिवस, आमच्या दरम्यान कफलक माणूस अशा माणसाला आपल्या जवळ घेतात। सच्चे दोस्त बहुत कम होते जो हर वक्त को याद करते हैं, खुशी में तो हर कोई साथ निभाता है लेकिन दुख भी बांटने वाले हमारे भैया हैं जो हमें अपना मित्र मानते हैं, जिससे बड़ा पुरस्कार इस दुनिया में मेरे को कोई नहीं। तो इस पावन मंगल पर्व पर उनके जो माता पिता के संस्कार है इसी के कारण यहाँ जो उनके संस्था में हमारे सब
दोस्त लोग, टीचर, हमारी यहाँ काम करने वाली सभी बहिनाएं और मेरी वाइफ, इस गांव के लिए संस्था गौरव के बारे में हमेशा भैया जी अपना दुख व्यक्त करते हैं। तो ये संघर्षमय जीवनी, किसी ने तो भी जिसको बायोग्राफी बोलते हैं आत्मचरित्र, तो भैया जी तो भूल नहीं लिखेंगे, लेकिन सभी लोग प्रयास करके जो भी आज तक किसी भी माध्यम से उनका जीवन चरित्र इकट्ठ हुआ वो किताब के रूप से सामने आए, ये मैं आज के दिन यहाँ के जो हमारे सहयोगी हैं टीचर लोग हैं उनसे मैं विनती करता हूँ। भैया जी हैं मैन ऑफ द प्रिंसिपल, मैन ऑफ द डिसिप्लिन, मैन ऑफ द लव, मैन ऑफ द रिस्पेक्ट, मैन ऑफ द सेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। उनके दिल में, शरीर में घुस घुस के जो मानवता के सभी गुण होते हैं, इसलिए हमारे जैसे लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं। तो भैया जी को मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे सब दोस्त के लोग से, इस सौंदर्य नगरी से और मेरे गांव से सभी की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ कि सूरज जैसा प्रकाश उनके जीवन में आए, हर फूल का गंध उनमें आए और वो खुशबू फूल की और सूरज का प्रकाश उनके माध्यम से हम तक पहुँचे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ और भैया जी के जीवन के लिए फिर से भगवान को प्रार्थना करता हूँ, उन्हें खुशी खुशी मिले, उनको उन्हें आयुष्य मिले, इस बर्थडे मनाने के लिए उनके दोनों लड़कियाँ, भैया जी बहुत प्यार करते हैं अपने लड़कियों को, तो दोनों लड़कियाँ हैं, एक दामाद भी है, लड़के भी हैं, ये बहुत ही अनोखा हटके प्रोग्राम यहाँ के स्टाफ ने किया, इसलिए मैं स्टाफ का आभार मानता हूँ, भैया जी के जन्मदिन पर उनको नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।